खास सरोकार। मुहर्रम से पहले खोला गया लखनऊ का रूमी गेट, राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 साल के बाद खोला गया ऐतिहासिक रूमी गेट, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कारण बंद किया गया था रूमी गेट। गहरी दरार आ जाने से बंद किया गया था रूमी गेट। मौलाना कल्बिस आबाद रूमी गेट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मुहर्रम से पहले खोल दिया गया रूमी गेट लोगों के लिए काफी खुशखबरी वाली खबर। हाथरस में बनाई गई जांच आयोग के अध्यक्ष का बयान, जरूरत पड़ेगी तो बयान भी दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आयोग बयान दर्ज करेगा। पूरी घटना में तमाम साक्ष्य कलेक्ट करेगा आयोग, यानी कि पूरे मामले में कलेक्ट की जाएगी पूरी रिपोर्ट। और इसके अलावा हाथरस मामले में आयोग ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस में बनाई गई जांच आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो बयान भी दर्ज करेगा आयोग। पूरी घटना में तमाम साक्ष्य कलेक्ट करेगा आयोग। हाथरस मामले में आयोग ने शुरू की जांच। हाथरस मामले की जांच तेज हो गई है, तो वही पूरे मामले में बयान सामने आया है। वही आपको बता दें कि जरूरत पड़ेगी तो बयान दर्ज करेगा आयोग। पूरी घटना में तमाम साक्ष्य कलेक्ट करने का बयान सामने आया है। तो वही पूरे मामले में आयोग का बयान सामने आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जाएंगे। पूरी घटना में तमाम साक्ष्य कलेक्ट करेगा आयोग। हाथरस मामले में आयोग ने शुरू की जांच। वही जांच की आज कितने लोगों तक पहुंचती है, इसको लेकर भी लगातार कयास देखने को मिल रहे हैं। हाथरस में पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी जा चुकी है। जरूरी यानी कि जरूरी साक्ष्य जुटाने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से कलीम लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज हो चुकी है, इस बीच जांच आयोग का बयान सामने आया है। देखिए आज तरीके से बात की जाए, हाथरस जो कांड है, हाथरस कांड में जो जांच की बात की जाए, जांच अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि न्याय आयोग की अगर बात की जाए, उन्होंने भी अपनी तफ्तीश अब शुरू कर दी है, क्योंकि उनका बयान सामने आया है। और बयान सामने आने के बाद उन्होंने साफ तौर से इस मामले में कहा है कि जो इस घटना के साक्ष्य हैं वो सभी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि साक्ष्य सभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। और उसमें अगर बात की जाए, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, या फिर जो भी इसका जिम्मेदार है, उन सभी से पूछताछ होगी, और पूछताछ के बाद जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो मौके का जो सीन रिक्रिएशन की बात की जाए, यानी कि घटना कैसे हुई, घटना में कैसे लोग दबे, कैसे अराजकता फैली, इसका पूरा सीन रिक्रिएशन होगा। और सीन रिक्रिएशन से वो बारीकियां जानी जाएंगी कि आखिर इस घटना में। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। आज मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखीमपुर दौरा, जहां लखीमपुर दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ राहत परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। जिस प्रकार से बाढ़ को लेकर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जल शक्ति विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी, जहां स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इस बीच बाढ़ राहत परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। बाढ़ को लेकर लगातार प्रशासन एक्ट मोड में नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ धीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार बाढ़ के कयासों के बीच लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे स्वतंत्र देव सिंह, धीरज जी, जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ को लेकर एक्टिव हो चुके हैं, क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं आज?
बिहार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखीमपुर खीरी दौरा है, तो वहीं लखीमपुर खीरी पहुंचने के बाद वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, निरीक्षण करिए, उसके बाद में कलेक्ट्रेट में जो अधिकारी हैं उनसे रूबरू होंगे और बाढ़ के समय क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या तैयारियां की गई हैं युद्ध स्तर पे, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। और वहीं लखीमपुर खीरी से और पीलीभीत और बरेली कई जगहों पे आज लखीमपुर स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम लगा हुआ। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने कुचला, राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में बच्ची शिवांशी की मौत हुई, जो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार सवार की लापरवाही से बच्ची की जान गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने कुचला, वही कार चालक की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई है। वही कार सवार की लापरवाही से बच्ची की जान जाने की सूचना सामने आ रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से कलीम, लापरवाह ड्राइवर की वजह से मासूम की जान चली गई। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए तेज रफ्तार को लेकर के, नशेबाजी की के दौरान जिस तरीके से गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी और उस तेज रफ्तार में एक 6 साल की जो मासूम है वो उसकी चपेट में आई और चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस घटना को देखते हुए अगर बात की जाए कि जिस तरीके से कार सवार ने उस मासूम को रौंदा और उसके बाद मौके से भागने का जो प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उस कार को दौड़ा कर पकड़ लिया और कार चालक की अगर बात की जाए, कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर के जो शव था वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जो कार चालक की बात की जाए तो उसको हिरासत में लेकर जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद कलीम। ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जहां दो पक्षों में विवाद की ये वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां दुकानदार नगर निगम के कर्मचारियों के बीच ये मारपीट हुई है। दुकान के बाहर रखे बोर्ड हटाने जब्त करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में शिकायत की। वही प्राइम टीवी के माध्यम से आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसके वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दीवाना के ये पूरा मामला बताया जा रहा है, यानी कि ग्वालियर में एक बार फिर से दो पक्षों में विवाद जमकर वायरल हो रहा है। वही आपको बता दें कि दुकानदार नगर निगम के कर्मचारियों के बीच ये मारपीट का पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहित राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से दो पक्षों में मारपीट हुई थी, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? नगर निगम कार्रवाई करने के लिए गई थी और जब उन्होंने दुकानदारों के बोर्ड उठाए थे तो उसपे हाथापाई दुकानदारों ने चालू कर दी, जिसके कारण दुकानदार नगर निगम के प्रशासन में हाथापाई हुई है। जी, अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले क्या कुछ कार्रवाई की है? नगर निगम दुकानदारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शासकीय कार्य में उन्होंने बाधा डाली है। अपडेट के लिए धन्यवाद। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है बांदा में। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत में मवेशी चराने गया था युवक, परिजन ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ी बड़ोखर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। एक दिनेश सनाप देशराज, ये लगभग 27 साल का पुरुष लाया गया है, बड़ी बड़ोखर गिरवा से लाया गया है। ये ब्रांडेड लाया गया हमारे पास में रहता हूँ। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली का मामला है, कुछ हालांकि बार साइन मिले हैं और इसको मोर्चरी के रिपोर्ट लगवा दी।
गाज गिर गई खेत में थे क्या? अच्छा खेत में थे हाँ, वहीं पे आकाशीय बिजली गिर गई। अभी यहाँ जिला अस्पताल लेके आए थे, डॉक्टर ने देखा क्या बताया? खत्म हो गए। भोले बाबा की तरफ से वकील एपी सिंह मैनपुरी पहुंचे। आश्रम में पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। यहां भोले बाबा की तरफ से वकील एपी सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम योगी का पूरे मामले में धन्यवाद देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। जहां मैनपुरी पहुंचे थे भोले बाबा के वकील, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। आश्रम में पहुंचने से पहले सीएम योगी का धन्यवाद देते हुए नजर आए सीएम योगी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलों में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। उत्करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297637870738135479121. गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज।
जहां होता है हर्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड